यस सर, स्टार्ट हो गई सर। ओके ओके ठीक है। देखिए जो इस बार जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है प्रोसेस प्लानिंग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और मेक श्योर कि आप लोग एक जगह पर बैठ जाएं, कॉपी पेन साथ में रखें और आप ध्यान से सुनें। ठीक है, आज हम इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है प्रोसेस प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, प्रोसेस प्लानिंग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में हम देखते हैं कि प्रोसेस प्लानिंग का क्या मतलब है। हमें कुछ नाम से थोड़ा वो समझ में आता है कि प्रोसेस प्लानिंग का मतलब होता है कि किसी भी एक प्रोसेस की प्लानिंग करना। ठीक है, तो हम पहले समझे कि प्लानिंग का क्या मतलब होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? ठीक है, कोई एक हमें टास्क दे दिया जाए और उसे बोला जाए कि आपको इस टास्क को ऑप्टिमम तरीके से कंप्लीट करना है। ओके, जब आप ऑप्टिमम तरीके से उसे कंप्लीट करते हैं तो आप किस प्लानिंग के थ्रू वहां पर जाएंगे, आप किस प्लानिंग के थ्रू उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपने कौन कौन सी प्रोसेस का यूज किया। ठीक, जो प्रोसेस का यूज कर रहे हैं, जिस प्लानिंग के साथ हम उस टास्क को कंप्लीट करने जा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोसेस प्लानिंग। ठीक है, अब चूंकि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं और हम वहां की बात करें तो यहाँ पर प्रोसेस प्लानिंग का क्या मतलब है? बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिस पर कोई ना कोई प्रोडक्शन होता है, किसी भी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वहां पर हमें उन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग हमें करनी पड़ती है। ठीक है, उसके लिए हमें किसी न किसी प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, तो हम वहां पर प्रोसेस प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे समझा जाए? जैसे किसी भी एक मटेरियल का जो रॉ मटेरियल आया है हमारे पास, उस रॉ मटेरियल को मुझे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब फिनिश्ड गुड्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए उसको किस किस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। ठीक है, लाइक शेपिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, ठीक है, रिविटिंग, वेल्डिंग करनी पड़ी। ठीक है, और भी कई सारे प्रोसेसेस होती हैं जो आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में शायद पढ़ी हो। ठीक है, आप अभी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे होंगे, एर्गोनॉमिक्स वगैरह, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी वगैरह ये पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो इन सब का यूज होता है प्रोसेस प्लानिंग में, इन सब का यूज होता है। और हम वहां पे देखते हैं कि किसी एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए हमें किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, किन किन मशीन्स का यूज करना पड़ रहा है, उन मशीन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वो सीक्वेंसिंग सही है या गलत है। ठीक है, इन सब का ध्यान रखते हुए अगर हम फिनिश्ड गुड बना लेते हैं और वो ऑप्टिमम तरीके से बनाते हैं तो उसे बोलते हैं हम सही प्रोसेस प्लानिंग हो गई। ठीक है, अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन प्रोसेस प्लानिंग का यूज होता है। ठीक है, आप लोग जैसे हम कभी भी देखते हैं कोई एक मशीन है और उस मशीन पर हमने रॉ मटेरियल लेकर के आए, मशीन को स्टार्ट करा, रॉ मटेरियल पे हम वर्क कर रहे हैं, एक वर्क पीस पर हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वर्क पीस पे वर्क करने के बाद में हम क्या करते हैं, वर्क पीस को आगे बढ़ाएंगे ताकि दूसरी मशीन पर जाए, और दूसरी मशीन पर जा करके वहां पर हम दूसरा उस पर प्रोसेस कर सकें, दूसरी मशीन पर प्रोसेस कर सकें। ठीक है, अब फॉर एन एग्जाम्पल कि एक मशीन पर मैंने रॉ मटेरियल ले आया, वर्क पीस लेके आया, उस पर मैंने काम कर लिया। अब उसको जैसे ही मैं दूसरी मशीन पर ले जा रहा हूं और वो दूसरी मशीन काफी दूर है, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा, टाइम खराब होगा। ठीक है, प्रोसेस सही से नहीं हो पाएगी। प्रोसेस सही कैसे हो रही थी? प्रोसेस जब ही सही होनी थी जब सीक्वेंस में मशीन रहती, पहली मशीन पे काम करने के बाद में उसके जस्ट बाद सेकेंड वाली मशीन होती जिस पे हमें काम करना है। ठीक है, तो इस तरह को हम बोलते हैं प्रोसेस प्लानिंग करना।
ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रोसेस प्लानिंग करना। क्योंकि आज हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास है, हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीईसी बोलते हैं, तो पीपीईसी का क्या मतलब है, ठीक है, क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है पीपीईसी में, और कितना वेटेज आता है थ्योरी का, कितना वेटेज आता है प्रैक्टिकल का, हमें ये देखना। है, तो जैसे जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस आ जाती है। अभी तक जितने पेपर मैंने देखे हैं उसके हिसाब से 40% या कहें 30-40% थ्योरिटिकल पार्ट होता है, और प्रैक्टिकल जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो न्यूमेरिकल पार्ट होता है इसमें 60-70%। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देंगे, उस पर तो देना ही है ध्यान, लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हमें थ्योरी पढ़ना जरूरी है, ताकि हमें पता रहे कि हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है। ओके, प्लीज गिव मी होस्ट राइट, ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। अंकित, सुन पा रहा है मुझे? यस सर, हाँ, मुझे होस्ट राइट दे दे, ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। सर कर दिया मैंने। आप लोग के पास में, आप सभी के पास में होना चाहिए आपका जो सिलेबस है वो, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार सिलेबस बता देता हूँ सबको, 10 मिनट। सभी को दिख रही है स्क्रीन? यस सर, दिख रही है। यस सर। ओके, ठीक है। देखिए, ये आपको प्रोसेस प्लानिंग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहा है, ठीक है, जिसका जो कोड है वो है 501। ओके, अब आप देखिए कि इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। प्रोसेस प्लानिंग सेकेंड पार्ट है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ठीक है। अब आप देखिए प्रोसेस प्लानिंग में क्या है, इंट्रोडक्शन टू प्लानिंग, सिलेक्टिंग एंड प्लानिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, थर्ड पॉइंट डिटरमाइन द मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंस एंड ऑपरेशन रूटीन या राउटिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रोसेस प्लानिंग का जितना भी ये जो पार्ट है, हमें जो चार पार्ट में डिवाइड करके दिया गया है, इसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने प्लानिंग की बात करी कि प्लानिंग हम किस
किस तरह से करते हैं, हमें सीक्वेंस क्या रखना है, हम लोगों को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ठीक है, फिनिश गुड पे जब जाएगा, रॉ मटेरियल से जब फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा तो उसे किस प्रोसेस के थ्रू हमें कन्वर्ट करना है, तो ये सब यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, सिलेक्टिंग एंड प्लानिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, सिलेक्टिंग सिलेक्ट करना, ये सबसे बड़ी एक बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलेक्ट करना। प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो बहुत सारी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस तो बहुत सारी होती है मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सही होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ से उसी प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं कि हमें मैन्युफैक्चर को कितना करना है, हमें मैन्युफैक्चर की क्वांटिटी कितनी करनी है, बल्क में मैन्युफैक्चर करना है या ऑर्डर पे मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। एक होता है कस्टमर के ऑर्डर पे मैन्युफैक्चर करना, कि कस्टमर जब ऑर्डर देगा तभी हम उसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है। जैसा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो होता है लग्जरियस कार में, ठीक है, जो लग्जरियस व्हीकल होते हैं, कार्स होती हैं, तो उन कार्स में कोई कोई कंपनीज ये करती हैं कि वहां पर जब कस्टमर ऑर्डर करेगा, जब वो कस्टमाइज तरीके से बताएगा कि हमें इस तरह का मुझे डिजाइन चाहिए कार में, या मुझे इस तरह का जो इंटीरियर है वो इस तरह का चाहिए, मुझे एक्सटीरियर इस तरह का चाहिए, ठीक है, मुझे सीट कवर इस तरह का चाहिए, तो आपने सुना होगा कि इस तरह का बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, जैसे रोल्स रॉयस है ना, बहुत एक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है जो फोर व्हीलर बनाती है, कार बनाती है लग्जरियस, ठीक है। उसमें भी इसी तरह का कुछ होता है कि जब वहां पर कस्टमर अपनी डिमांड रखता है, जब कस्टमर अपना ऑर्डर करता है तभी वो लोग मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। ये तो बाकी कंपनियों में क्या होता है, जैसे जो नॉर्मल जो है कंपनीज लाइक हुंडई है, होंडा है, मारुति सुजुकी है, तो इन लोगों में क्या होता है कि कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन चलता रहता, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि कस्टमर की डिमांड पे बनाएंगे, वो तो कंटिन्यूअसली वहां पर प्रोडक्शन करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करना, प्रोसेस मैन्युफैक्चर की प्रोसेस को प्लान करना, सिलेक्ट करना, ये हमने इसमें पढ़ना है। उसके बाद आता है सीक्वेंस, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस से मतलब आप समझते हैं कि एक के बाद एक, मतलब कौन सी मशीन को मुझे किस मशीन के बाद में रखना है, कौन से मशीन टूल्स को किन मशीन टूल्स के बाद में रखना है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि कन्वेयर बेल्ट पे एक कोई प्रोसेस चल रही है, ठीक है, वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन के बाद में हम देख रहे हैं वहां पर कि कन्वेयर बेल्ट पे जब भी प्रोडक्शन होता है तो वहां पर हम सीक्वेंस वाइज मशीन्स वहां पे लगी हुई रहती है, सीक्वेंस वाइज मशीन टूल्स वहां पे रहते हैं, ठीक है। तो उन मशीन टूल्स को सीक्वेंस वाइज रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा हो कि पहले चेसिस आ जाए, ठीक है, या पहले इंजन आ जाए बाद में चेसिस आए, तो ये क्या होगा, सीक्वेंस बिगड़ जाएगी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि चेसिस आया, चेसिस आने के बाद में उस पर पूरा काम हुआ, नट बोल्ट उस पर किए गए, असेंबल किया गया, उस पर धीरे धीरे असेंबलिंग हो रही है, और अचानक से बीच में क्या हो कि सीक्वेंस टूट जाए या सीक्वेंस बदल जाए, सीक्वेंस ये हो कि वहां पर अब जो हमें पार्ट चाहिए वो पार्ट तो दूसरे या यहाँ से थोड़ा सा दूर है, 100 मीटर की दूरी पर है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ जाएगा, डिस्टर्बेंस आएगा, तो इसका मतलब ये कि वो मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंस, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सीक्वेंस सही नहीं है। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सीक्वेंस ही सही नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग सही कैसे होगा, और अगर मैन्युफैक्चरिंग सही नहीं होगा तो प्लानिंग सही नहीं होगी, प्लानिंग सही नहीं होगी तो जो कस्टमर की नीड है हम उस कस्टमर की नीड तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। इसीलिए प्रोसेस प्लानिंग करना हमें बहुत जरूरी है ताकि हम कस्टमर की नीड को फुलफिल कर सकें, कस्टमर की नीड को पहचान सकें, ठीक है। हमारा रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन वो कन्वर्ट होने के बाद में उसकी उसके कैसे उसकी डिमांड क्या रहेगी, ठीक है, वो कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, कैसा वहां पर वर्क कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर देखिए ऑपरेशन राउटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे एक सबसे सही जो ये होता है कि एक रूट शीट बनती है, ठीक है, राउटिंग होती है, रूट शीट जिसे हम बोलते हैं, हर एक पार्ट के लिए, हर एक असेंबल्ड पार्ट के लिए वहां पर एक रूट शीट होगी हमारे पास, कि वो रूट शीट उस पार्ट का नंबर क्या है, उस सब असेंबली का नंबर क्या है, असेंबली का नंबर क्या है,
ये रूट शीट किसने बनाई है। ठीक है, ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। जब आपने एमडी पढ़ा, ठीक है, आई थिंक सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा एमडी। जब आपने एमडी पढ़ा तो वहां पर आपने देखा होगा कि हम नीचे ड्राइंग शीट, जिस ड्राइंग शीट पर हम ड्राफ्टिंग करते थे, तो उस ड्राफ्टिंग के नीचे एक कॉर्नर में कुछ तो वहां पर लिखा हुआ रहता था, कुछ एंट्रीज वहां पर करनी होती थी हमें। आपको पता है उसे क्या बोलते हैं? मुझे पराग गुप्ता बताएगा। यस सर, सब जो ब्लॉक रहता था साइड में इस पर, सर हाँ, उसे क्या करते, क्या बोलते थे उसे, कुछ याद है आपको? नहीं याद आ रहा। सर टाइटल, टाइटल ब्लॉक सर, टाइटल ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक सर। ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उसे टाइटल ब्लॉक बोलते थे हम। ठीक है, तो वो क्या होता था, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन रहती थी कि ये ड्राइंग, ये ड्राफ्टिंग किसने बनाई है। ठीक है, अगर उस ड्राफ्टिंग में अगर हमने कुछ डायमेंशंस लिए, तो वो किस में लिए, एमएम में लिए, सेंटीमीटर में लिए, मीटर में लिए, किस में लिए। ठीक है, फिर आरएफ अगर इसके लिए, तो वो आरएफ स्केल हमने कितनी लिए, वो हम वहां पर मेंशन करते थे। ओके, तो ऐसे क्या होता है कि ये एक तरीके क्या हो गई, रूट शीट हो गई। ठीक है, मटेरियल कौन सा यूज करना है, आपने एमटी में पढ़ लिया कि मटेरियल इतने टाइप के होते हैं और ये इस इतने टाइप के मटेरियल्स होते हैं, तो हमने मटेरियल कौन कौन सी यूज करना, ये वहां पर मेंशन कर दिया जाता है रूट शीट में। तो रूट शीट जो है कभी कभी बनाने के लिए आ जाती है पेपर में, कि आप रूट शीट बनाई है किसी भी एक एग्जाम्पल को लेकर के, आप रूट शीट बना दीजिए। और अगर एग्जाम्पल भी अगर नहीं लेना है, तो जो रूट शीट का जो आउटलाइन है, जो पूरा एक शीट बनती है, बस उस शीट को बना दीजिए विथ टाइटल। ठीक है, कि इसका डेट कब हुआ, ये किस तारीख को इसकी शीट बनी है, ये रॉ मटेरियल इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, मेटल है कि नॉन मेटल है। ठीक है, पार्ट नंबर कौन सा है, असेंबली का पार्ट नंबर कौन सा है, और देखा जाए तो मतलब बहुत सारे उसमें पॉइंट्स रहते हैं। जब ये राउटिंग आएगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कैसे एक शीट बनती है। ठीक है, अब आप देखिए, आपको इसके पहले हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसमें जो चार पॉइंट दे रखे हैं, इन चार पॉइंट के अंदर हमें क्या पढ़ना है, उसमें आप देखिए, इंट्रोडक्शन टू प्लानिंग। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक और कौन था, हाँ, अंकित त्रिपाठी, अंकित यस सर, अंकित, हाँ, स्क्रीन क्लियर दिख रही है? यस सर, क्लियर दिख रही है सर। ओके ओके, उसमें फर्स्ट पॉइंट में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के मुझे बताइए, पॉइंट पॉइंट आप पढ़ के बताइए, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि सबको क्लियर हो कि हम क्या देख रहे हैं। ठीक यस है, सर, फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू प्लानिंग। तो इंट्रोडक्शन टू प्लानिंग में क्या क्या है? इसमें दिया हुआ है सर, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इट्स स्कोप एंड रिलेशन विद हाँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन सिस्टम, टाइप्स एंड ओके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके 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 ओके, देखिए, प्लानिंग में, इंट्रोडक्शन टू प्लानिंग में हम क्या देखते हैं कि किस तरह से प्रोसेस करना है, पूरी प्रोसेस इंजीनियरिंग वहां पे लग जाती है। ठीक है, जैसे आप लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, आपने पहले भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पढ़ी है, तो वहां से हमें ये समझ में आता है कि किस तरह से एक प्रोसेस को लेकर के चलना है, किस तरह से प्रोसेस का सीक्वेंस करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस इंजीनियरिंग में आ जाता है, उसका क्या क्या स्कोप है उसमें, इसको उसके बिना काम नहीं चलेगा। किसी भी इंडस्ट्री में प्रोसेस प्लानिंग के बिना कोई काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपको किसी भी प्रोसेस की प्लानिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए हम वहां पर देखते हैं कि प्रोसेस प्लानिंग बहुत जरूरी है, और स्कोप बहुत ज्यादा है मार्केट में। आज भी प्रोसेस प्लानिंग का यूज किए बिना कोई भी वर्क आगे नहीं बढ़ता है। यहाँ तक कि हम जब रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, तो वो भी थ्रू प्रोसेस इंजीनियरिंग के थ्रू ही वो किसी भी इंडस्ट्री में एंटर हो पाता है। ठीक है, अब देखिए, सेकेंड पॉइंट में लिखा है हमारा, जो सेकेंड यूनिट है या कहें सेकेंड चैप्टर है, उसमें सिलेक्टिंग एंड प्लानिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। यस सर,
ठीक है, तो इसके देखिए कौन कौन से पॉइंट्स है बताएं। फंक्शन, फंडामेंटल रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बेसिक डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोसेस इंजीनियरिंग ऑन प्रोडक्ट डिजाइन, रीचेकिंग स्पेसिफिकेशंस, हाउ मटेरियल सिलेक्टेड अफेक्ट प्रोसेस कॉस्ट, यूजिंग मटेरियल्स मोर इकोनॉमिकली, मटेरियल कॉस्ट बैलेंस शीट, एलिमिनेटिंग ऑपरेशंस, कंबाइंड ऑपरेशंस, सिलेक्टिंग द प्रोसेस टूलिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, मेक और बाय डिसीजंस। ओके, देखिए इसमें हमारा फंक्शंस, फंडामेंटल्स रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या क्या रूल हैं ये अभी हम देखेंगे, बेसिक डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, एक किसी भी प्रोडक्ट की क्या बेसिक डिजाइन होती है, जैसे हम देखते हैं कि उसमें डायमेंशनल कुछ पार्ट आ जाता है, ठीक है, एक जियोग्राफिकल कुछ पार्ट आ जाता है, ठीक है, कुछ ग्राफिकल पार्ट आ जाता है, ठीक है, इसमें फिर हम देखते हैं कि रीचेकिंग स्पेसिफिकेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये भी टॉपिक होता है कि स्पेसिफिकेशन क्या हो सकता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन के बाद में हम देखते हैं कि सिक्वेंसिंग क्या होती है, ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन, जैसे स्पेसिफिकेशन हम देखते हैं ना, हम कोई भी पार्ट खरीदने के लिए गए मार्केट में, या हम कोई भी एक जैसे हम गए कोई बाइक के लिए गया, कोई बाइक खरीदने के लिए गया टू व्हीलर, तो वो वहां पे देखता है कि वो पूछता है उससे कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है, तो वो स्पेसिफिकेशन में वो जनरली क्या बताता है हमें कि ये बाइक इतने, इसका जो इंजन है वो इतने सीसी का है, ठीक है, इसमें ये ब्रेक्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये सेल्फ स्टार्ट है, ठीक है, इसमें ट्यूबलेस टायर, ये उसके नॉर्मल स्पेसिफिकेशन वो बता देता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन है क्या, स्पेसिफिकेशन ये है कि हम किसी भी प्रोडक्ट के अगर डिजाइन कर रहे हैं तो उसके डायमेंशन क्या क्या है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, तो ये हमें स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे देखना पड़ता है। फिर एक है हाउ मटेरियल सिलेक्टेड, हाउ द मटेरियल सिलेक्ट, कैसे हम मटेरियल को सिलेक्ट करें, क्योंकि मटेरियल को सिलेक्ट करने से उस प्रोसेस पर अफेक्ट तो आएगा ही आएगा। अगर कहीं पर आप देखिए, कहीं पर अगर माइल्ड स्टील का कोई मटेरियल हमें चाहिए और वहां पर हमने कास्ट आयरन का मटेरियल यूज कर लिया, तो क्या होगा, ये शायद हमने बात एमटी में भी करी थी, तो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा, प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। क्यों होगा प्रोडक्ट फेल, क्योंकि जो प्रॉपर्टी उस माइल्ड स्टील में है वो प्रॉपर्टी कास्ट आयरन में नहीं है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी किसी एक मटेरियल में था तो उसी को उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें सिलेक्ट करना था, तो वो हम उसको मैच ही नहीं कर पा रहे हैं, किसी दूसरे मटेरियल को अगर सिलेक्ट करा तो वो तो अफेक्ट तो करेगा। ओके, अब देखिए मटेरियल को अफेक्ट सिलेक्ट तो करना है, फैक्टर्स तो है कि मटेरियल को हमें सिलेक्ट करना है, लेकिन एक ये भी फैक्टर है कि उसको इकोनॉमिकली सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज्यादा कॉस्टली मटेरियल सिलेक्ट कर लिया तो जिससे क्या होगा, जिससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर बढ़ गई तो कोई भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, नहीं बियर कर पाएगा, ठीक है, अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या जो कंपनीज है उनको, ठीक है। फिर देखिए आप मटेरियल कॉस्ट बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कहीं ना कहीं इसका नाम सुना होगा कि बैलेंस शीट बनानी पड़ती है हमें, ठीक है, ये भी हम इसमें यहाँ पर देखेंगे। फिर देखिए एलिमिनेटिंग ऑपरेशंस, ऐसे कई सारे सीक्वेंस में होता है, प्रोसेस में होता है कि सीक्वेंस करते करते हम एक ही ऑपरेशन को दो बार कर देते हैं, या हमने क्या करा कि दो मशीन है, दो मशीन टूल है, और उन दोनों मशीन टूल को हमने एक के बाद एक रख लिया, तो क्या वो किसी काम का है, क्या वो कहीं पर हेल्प करेगा, जब किसी एक प्रोडक्ट पर एक मशीन में सेम प्रोसेस हो चुकी है, सेम मशीनिंग हो चुका है, तो उसके बाद वाली सीक्वेंस में सेम प्रोसेस करने के लिए सेम मशीन रखने की जरूरत है क्या, नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है, जब एक बार हमने ड्रिलिंग कर दी तो वापिस से दोबारा ड्रिलिंग मशीन की हमें जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, तो हम क्या करते हैं कि उन केस में उन प्रोसेस को एलिमिनेट कर देते हैं,
एलिमिनेट करने से क्या होता है, सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर वो है टाइम का सेव होना। सबसे बड़ी बात है टाइम सेव हो जाएगा अगर हमने एलिमिनेट करा दे। और क्या फायदा हो सकता है एलिमिनेट करने से? कॉस्ट की सेविंग हो जाएगी, हमारा जो मशीन टूल है ठीक है वो वियर एंड टियर होने से बच जाएगा, जो एक्स्ट्रा मशीन टूल्स जो रखा था ठीक है, और इकोनॉमिक तरीके से हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। ये सबसे बड़ा एक यहाँ पर एडवांटेज इसका रहता है सर। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसे हम कंबाइंड तरीके से कर सकते हैं सर, ठीक है, हम कॉम्बिनेशन के साथ कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी सर, आखिरी के 5 मिनट बचे हैं सर मीटिंग का। ओके ओके ठीक है, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो आप सेम लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और अंकित जैसे ही मीटिंग खत्म होगी तो जो रिकॉर्डिंग चल रही है वो तो आप सेव कर ही लेना, फिर जैसे ही मीटिंग दोबारा चालू होगी तो फिर रिकॉर्डिंग चालू कर देना। ओके सर ठीक है सर, मैं कंटिन्यू करता हूँ, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लेना। ओके सर। ओके 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 हाँ अंकित, अभी ये भी देख लेना कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल ठीक है, सर मैंने, ताकि सर वो मैंने। बाद में भी उतने स्टूडेंट्स होना चाहिए। यस सर, यस सर। ठीक है ठीक। ठीक है, फिर कंबाइंड ऑपरेशन की हम बात कर रहे थे कि कंबाइंड ऑपरेशन क्या होता है, जैसे हम एक ही सीक्वेंस में लेकर के आए और वहां पर हमने दो ऑपरेशन एक साथ कर दिए तो वहां से भी काफी टाइम बच सकता है, कॉस्ट बच सकती है। फिर हम देखते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, सिलेक्टिंग द प्रोसेस टूलिंग, कि टूल कौन कौन से मुझे यूज करना है। कई बार ये होता है कि हमें ऑपरेशन कुछ और करना था, टूल मैंने कोई सा और सिलेक्ट कर लिया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे टूल कौन सा सिलेक्ट करना है ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, उस इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी मेरे पास होनी चाहिए, अगर अवेलेबिलिटी किसी इक्विपमेंट की नहीं है तो आप कैसे प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे विदाउट यूज ऑफ दीज इक्विपमेंट्स ठीक है। मेक और बाय डिसीजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक और बाय डिसीजन क्या बोलता है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं या ऐसे कौन से सब पार्ट्स हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जिसे मैं या तो मेरे खुद के प्रोडक्शन हाउस में मेक कर लूं यानी कि बना लूं, या फिर मैं किसी दूसरे वेंडर के हेल्प से उसे बाय कर लूं ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। यहाँ से जब भी हम बात करते हैं तो मेक और बाय डिसीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता है कभी भी कि हम सारी के सारे प्रोसेस को हम उसी एक पर्टिकुलर एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग हाउस में और सारे के सारे हम ऑपरेशंस कर लें या सारे के सारे डिसीजंस हम वहीं पे ले लें। जैसे कोई कोई होता है कि हम क्यों किसी वेंडर को ऑर्डर करें कि हमें ये वाला पार्ट आप बना के दो, हम ऐसा तो नहीं कर सकते ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा सिक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, इसी वजह से वहां पर मेक और बाय डिसीजन चलता है ठीक है। तो मेक और बाय डिसीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर डिसीजन लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाय करें या मेक करें, यानी कि खुद बनाए हम या किसी और से बनवा के उसे हम खरीदें ठीक है। फिर देखिए थर्ड पॉइंट में डिटरमाइनिंग द मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंस, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए यूनिट हो सकती है कि कहाँ पे ऑपरेशंस क्या हो सकता है, क्लासिफिकेशन एंड द मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंस क्या हो सकता है, पर्पस ऑफ मेजर प्रोसेस सीक्वेंस क्या हो सकता है। यहाँ पर हमें सीक्वेंस के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि सीक्वेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सीक्वेंस जब भी कर रहे हैं तो हम किसको देख करके कर रहे हैं, हमने क्या ऑपरेशंस वहां पर लिए हैं, हमने कौन कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए हमको सीक्वेंस कैसे करना है, ये हम वहां पर देखते हैं। तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर सीक्वेंसिंग होती है ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्शंस होते हैं। जैसे प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि या तो कस्टमर खुद बोल दे
कि कस्टमर ऑर्डर कर दे या फिर हमें एक बल्क में प्रोडक्शन करना है तो बल्क में प्रोडक्शन चलता रहेगा, तो उस जब भी बल्क में प्रोडक्शन चलेगा तो वहां पर हम देखते हैं कि वो फिर बल्क में वहां पर प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे 10,000 पीस बन रहे हैं एक दिन में, जो छोटे प्रोडक्ट होते हैं, स्मॉल जो इंटरप्राइज के जो प्रोडक्ट होते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि 10,000-20,000 प्रोडक्ट एक दिन में बन जाते हैं। बहुत से ऐसे जो बड़े बड़े जहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स, जहाँ पर आइशर मोटर्स वगैरह है, फोर्स मोटर है, तो वहां पर क्या है कि एक लिमिटेड 80 जैसे 70-80-100 व्हीकल्स जो है वो रोज बन जाएंगे, या किसी एक पर्टिकुलर पे 25-30